आपकी खारजा पॉलिसी क्या है? आज चाइना में वो गर्मजोशी नहीं, अफगानिस्तान का मसला उलझा हुआ है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, टर्की और मलेशिया आपसे परेशान है, सऊदी अरब आपको समन करते हैं कि इधर आओ हमारे पैसे वापस करो वरना ये करो। कभी ये भी हुआ है कि आपका ही आइडिया कि हम वहां पे तीन मुल्क के चार मुल्क टर्की मलेशिया और कतर मिलके एक मीडिया इस्लामी टीवी लॉन्च करते हैं और सऊदी अरब ने 24 घंटे पहले आपसे कैंसिल करा दिया? ये सॉवरेनिटी है? ये इस मुल्क की हम बात करते हैं? पहले तो अमेरिका की बात सुनते ना, अमेरिका दावा मारता है, अमेरिका ने दावा मारा था नवाज शरीफ को कि $5 अरब ले लो, उसने कहा मेरे जूते की नोक पे मैं धमाके करूंगा और करके दिखाए। आज तो कश्मीर के सौदे हो रहे हैं, आज न्यूक्लियर का हमारी जो डेटरेंस एक हमारी पावर है वो उस पर भी हमें खदशात लग रहे हैं, आज इसराइल का शोशा छोड़ा जा रहा है। खुदा के लिए इस मुल्क को आगे चलने दें, चोर चोर के नारे मत लगाएं, चोर अगर यार मैं अगली सीट पे हूं इतना तो ख्याल करो, पीछे 30-30 मिनट मिलते हैं, तकलीफ मुझे पता तकलीफ हो रही होगी, मुझे बताएं कि ये आज अमेरिका के मामला तो हमारे साथ किस तरह हैं, आज चाइना के मामला किस तरह हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमारे जो गल्फ के स्टे हैं या मिडल ईस्ट में हमारे तलकात कैसे, यूएई वाले जो, यार हमें तो चेयरमैन साहब दुख होता है, हम पाकिस्तानी हैं, हमने यहां का 6-6 दफा 8-8 दफा लोग एमएनए हुए हैं, वोट लोग देते हैं तो एमएनए हुए हैं, कोई हम किसी और की मदद से एमएनए नहीं हुए, हमने साबित किया है कि लोग आज वो आप हो गया होंगे बीच में एक आधा हो गया होगा ऐसे ही आप टिड़े हुए हैं, वाइंड अप प्लीज साहब, नहीं इनको कहें जरा मेरे साथ मुखातब आपके साथ कर लें तो मैं समझता हूं, ये मुझे बताएं कि यही टीम अगर पहले थी हफीज शेख की, शौकत तरीन साहब की, वकार मसूद की, तो खुदा के लिए उनको अभी हिना रबानी साहबा ने कहा है कि एक्सपोर्ट उन्होंने बताई है ना एक्सपोर्ट, मुझे बताएं कि आप 35% डी वैल्यू करके अगर आप 10% 5% 2% एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो ये क्या कारनामा है आपका? आपने $160 करके एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए थी ना, रिमिटेंसेज आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं? लोगों को जब वहां से $1 के 160 रुपए भेजेंगे तो वो ज्यादा बेचते हैं, ये एक फार्मूला है, ये आपकी कोई इतना कमाल नहीं है कि जी वहां पर रिमिटेंसेज ज्यादा आ रहे हैं, खुदा के लिए अपनी डायरेक्शन सीधी करें और ये मत कहें कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बड़ी, ये पता चलेगा जब माल जब्बा का होगा, जब आपकी दवाइयों का साहब होगा, जब वीट के आप एग्रीकल्चर पे आप बैठे हुए हैं चेयरमैन साहब, आपकी बैकग्राउंड यही है एग्रीकल्चर पे, आपको कभी ख्याल नहीं आया 5 लाख से ट्रैक्टर 15 लाख का हो गया है, इनमें से पता नहीं कईयों ने तो लिए नहीं होगा, मैं तस्दीक करता हूं आप सही हो गए, ये सारे सही बैठे हुए हैं जी राणा साहब, थैंक यू, मैं नो मेरी बात सुन ले इस तरह नहीं, मैंने तो रह गए हैं, बहुत जरूरी है, नहीं चेयरमैन साहब ये माहौल खराब ना करें, मैं अगली सीट पे बैठा हूं, यही ख्याल देखिए आपकी रिस्पेक्ट कर, नहीं नहीं मैं तो आपको क्या 20 मिनट मैंने कहा, प्लीज प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 5-10 मिनट मुझे दे दें, मुझे मैं बड़ी जरूरी बात करने लगा हूं कि आपने बुला ही दिया जी, देखे ना इस तरह करेंगे तो वीट मेरी वीट आप एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वीट हम इंपोर्ट करते 2500 रुपए पे आप वीट पड़ी आपको, आप हमसे 1600, जब आप 5 लाख का ट्रैक्टर 15 में देंगे 2200 2500, पता नहीं रोहसा भी था बेटा 2800 की जो DAP है 6500 रुपए देंगे और आप 1200 की यूरिया हमें 2400 में देंगे, तो फिर अगर आप उस परसेंटेज से वीट की कीमत ना बढ़ाएं, सेंध ने तो 2000 में दी है, आप पंजाब के क्यों मुस्लिम, हम कोई
वो कोई आ रहे कह रहे हैं क्या आपकी गवर्नमेंट पंजाब वालों को समझती है कि ये इसको 1600 बड़ी मुश्किल किराई, फिर 1800, फिर 2000 नहीं दी आपने। आप खुदा का खौफ करें, सही पॉलिसी अपनाएं, इस तरह नहीं होगा। मेरे इलाके में मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, उनका भी इलाका है, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं वहां एक रिवर सिटी बना रहे हैं, रिवर रावी रिवर सिटी। वहां की जो जमीनें हैं, यहां मैंने प्राइम मिनिस्टर का 3-4 दिन में बयान पढ़ा कि एग्रीकल्चर की जमीनें किसी कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। ये 3-4 दिन की बात है, किसी फंक्शन में थे, सुर्खी थी अखबारों में। लेकिन मुझे ये बताएं, अफसोस हुआ कि एक तरफ तो आप वो जमीनें छीन रहे हैं लोगों से जो फूड बास्केट है लाहौर के लिए, जो ग्रीन एरिया है लाहौर के लिए, जो वहां पे इतनी फर्टाइल लैंड है उस इलाके में दरिया के किनारे पे, और वहां आप 1-1 करोड़ का एकड़ 2-2 लाख में लोगों से ले रहे हैं। और मैं खुदा की कसम, मुझे रोंगटे 2-2 लाख की, मैं अपने वहां के MNA साहब से कहता हूं आप आवाज बुलंद करें। और वहां पे कहता जी हमने खुदा के लिए भाई रिवर रावी में अगर आप उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लें तो वहां की जमीन 2-2 किलोमीटर मिल जाएगी आपको फ्री, और वहां पे आप डेवलप करें, पार्क बनाएं, हाई राइजेस बनाएं, लोगों की वो जमीन। आप एक तरफ माहौलियात की बात करते हैं, एक तरफ वहां आप सारा वहां पे पक्का काम कर रहे हैं कि जी वहां पे हम लोग जमीनें, नस्ल दर नस्ल लोग बैठे हुए हैं इनको। मैं समझता हूं कि वहां पे बड़ा ये खून खराबा होगा। अब भी इमरान खान साहब को मैं कहता हूं इसको रिकंसिडर करें। आप मत किन किन इन्वेस्टर को आप कौन से नौ सुना, नौ मलक रियाज पैदा कर रहे हैं आप। मुझे किसी ने बताया है कि नया मलक रियाज पैदा कर रहे हैं। मलक रियाज साहब को तो सारे अदारे, चाहे अदलिया हो, चाहे मुखदर अदारे हो, चाहे आप इमरान खान साहब ईमानदार हो, ईमानदार इमरान खान इनका नाम होना चाहिए, ईमानदार इमरान खान। वो उनकी सपोर्ट के लिए लगे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसको वापस पैसे कर रहे हैं, और हर तरफ उनका चर्चा है, तो यहां नौ मलक रियाज पैदा कर रहे हैं। इस इन चीज से बाज आ जाएं। मैं एक और बात करना चाहता हूं कि वहां पे जब आपकी गवर्नमेंट आई है PTI वालों, तो मेरे हलके में ये प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं 6, शायद खान अब्बासी साहब, खोरे में प्राइम मिनिस्टर, खोरे में प्राइम मिनिस्टर दोनों के जी राणा साहब, थैंक यू मैम जी। जी राणा साहब बात करने लगा हूं जी, आखिरी बात करने लगा हूं। हां मैंने कोई प्रोजेक्ट कराए थे मंजूर जो सारे हो चुके थे, शेरशाह सूरी रोड था, वो फ्लाईओवर था अमामिया कॉलोनी पे। मैंने मिनिस्टर को कई दफा कहा कि यार अमामिया कॉलोनी के जो रेलवे क्रॉसिंग है ये पिशावर से लोग जाते हैं, मैंने नहीं गुजरना वहां से। वो आपको क्या हो गया, एक थी सियालकोट मोटरवे से कनेक्शन था नारोवाल के साथ, वो भी एक प्रोजेक्ट PSDP में था, आके सारे आपने काट दिए। ये आपकी खिदमत है, ये आपने काम किया है, वो आप उस पर गौर करें। वो मामी फैला के हैं हमारे नहीं, कोई अगर आप नया काम नहीं कर सकते तो पुराने तो करने दें। थैंक यू, पुराना पाकिस्तान चलने दें। थैंक यू जी। जी सर, राणा साहब आपको तकलीफ बड़ी हुई है, मुझे पता है आपको, ऊपर तो आप बैठे हुए तो चेयर पे हैं। तो राणा साहब मैं आप मेरे लिए मैं एक, एक नारा, एक नारा मैं कहता हूं आज गली कूचे में एक नारा हम सुनते थे, उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे, वर्ग लाए गए, उन्होंने कहा कि IIPTI, अब वो कहते III महंगाई आई, III तबाही आई, ये नारा। लेकिन ये शेर तो एक सुन ले, मैंने पकड़ा हुआ है जी। शेर मुझे आते नहीं, क्यों आप ये मैं कहता हूं। साहब बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप बहुत सारे मेरे लिए मोहतरम हैं, आज हमने हर सूरत कंप्लीट कर। सीनियर नारा मारो यार, सीनियर दा। ओ मैं तो बुजुर्गों नाल भी MNA रहा,
ओए अल्लाह का वास्ता जे कोई ख्याल करो तुहानू कोई ताई ते सोसाइटी खराब हो गई है, वड्डियां दा इतराम ही कोनी। जिन्हें ये जितने बैठे हुए ना सब का बाल सारे मेरे साथ रहे हैं जी राणा साहब, बताते नहीं। मैं कहता हूं कि मैं ये आज बता के जा रहा हूं, वैसे तो कौम कह रही है जिन्हें हकीर समझकर बजा दिया तूने, जिन्हें हकीर समझकर बजा दिया तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी हो। थैंक यू जी। जनाब अहमद हुसैन डेढ़ साहब जी।